दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आईक्यू रैंकर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम बजट का प्रश्न लाए हुए हैं, बजट 2023-24 का। दोस्तों, आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पहले आप लोग देखिए, पार्ट नंबर 1 लेकर आए हुए हैं, पार्ट नंबर 2 बहुत जल्द ही आएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ दोस्तों। और आप लोग को पता ही है कि बजट से सभी परीक्षा में कम से कम 3-4-5 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, और ये पूरे 2023 तक के लिए है। पूरे साल में जितना भी प्रश्न परीक्षा आएगा, सब में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की तरफ। मेरा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आय और उसके व्यय की सूची। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स विल्सन। प्रश्न नंबर 3, भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में पेश किया था? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जेम्स विल्सन थे, उन्होंने सबसे पहले बजट पेश किया था। प्रश्न नंबर 4, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1867 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर के षणमुखम चट्टी। प्रश्न नंबर 6, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का षणमुखम ने किया था, और गणतंत्र भारत का ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई ने किया था। प्रश्न नंबर 7, यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो देश के पहले प्रधानमंत्री जो यूनियन बजट पेश किए थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8, यूनियन बजट पेश करने वाले देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 9, अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे अधिक बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने, 10 बार, टोटल 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। प्रश्न नंबर 10, वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के अनुसार बजट को 5 बजे पेश किया जाता था, इस परंपरा को किसने समाप्त किया? तो इस परंपरा को अटल बिहारी वाजपेयी ने समाप्त किया, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यशवंत सिन्हा ने पेश किया था 11 बजे पहली बार। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। सबसे पहले बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी, बट 5 बार अभी तक बजट पेश करने वाली कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। प्रश्न नंबर 13, भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण। प्रश्न नंबर 14, अंतरिम बजट इंटरिम बजट को और क्या कहा जाता है?
तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी वोट ऑन अकाउंट एंड हाफ बजट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हुआ, ए एंड बी दोनों। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को 1924 में आम बजट से अलग किया गया था? तो अलग करने के लिए एक वर्थ समिति था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को 2017 में आम बजट में मिलाया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विवेक देवरॉय समिति। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से आम बजट और रेल बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण जेटली। प्रश्न नंबर 18, आजाद भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? तो पेपरलेस बजट 2021 से शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19, अब तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार, 2021, 2022 और 2023, तीसरी बार हुई है। प्रश्न नंबर 20, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ये बजट बनाते हैं, जो आर्थिक सलाहकार होता है लोग, वो बजट को बनाता है लोग, बट पेश कौन करता है? तो वित्त मंत्री पेश करती है। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में आम बजट 2023-24 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण के द्वारा। प्रश्न नंबर 22, हाल ही में केंद्रीय बजट 2023 संसद में कब पेश किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी को। प्रश्न नंबर 23, 31 जनवरी 2023 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल जीडीपी दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है? तो जीडीपी अभी कितना है? 6.5%, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24, केंद्रीय बजट 2023-24 कुल कितने रुपए का बजट है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 45.03 लाख करोड़ रुपए का, अब तक का सबसे ज़्यादा बजट है। प्रश्न नंबर 25, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3.24 लाख करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 112, यानी अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, यानी एक साल का वित्तीय विवरण। प्रश्न नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वित्तीय विवरण दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, बट बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी अनुच्छेद में नहीं। प्रश्न नंबर 28, बजट 2023 डैश प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, इसे वित्त मंत्री ने अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि कहा? तो सप्तऋषि जब कहा है तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, 7। और कौन कौन से हैं दोस्तों सप्तऋषि जो हैं वो 7 कौन कौन से हैं? तो पहला है समावेशी विकास, दूसरा है आखिर व्यक्ति तक पहुंच, मतलब जो गरीब से गरीब है
वहाँ तक सरकार की जो भी योजना है, जो भी सरकार योजना चलाता है, वो सबसे गरीब से भी गरीब जो व्यक्ति हैं वहाँ तक उसकी पहुँच हो। तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश। चौथा है क्षमता का विकास। पांचवा है हरित विकास, ठीक है, ग्रीन ग्रीन एनर्जी जो बोला गया है उसके बारे में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है 2023-24 के वित्तीय विवरण में। नेक्स्ट है सिक्स नंबर युवा शक्ति, और लास्ट जो सेवन नंबर है वो वित्तीय क्षेत्र है। यही सब तरीसी सात प्राथमिकताएं हैं बजट का। प्रश्न नंबर 29, भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? तो पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। प्रश्न नंबर 30, केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 11 बजे पूर्वाह्न, यानी 11 बजे सुबह में। प्रश्न नंबर 31, केंद्रीय बजट 2023 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7%। प्रश्न नंबर 32, 30 नवंबर 1956 को किसने पहला मिनी बजट पेश किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टीटी कृष्णमाचारी। प्रश्न नंबर 33, आज़ादी के 75वें वर्ष में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किसके रूप में पहचाना है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चमकते सितारे के रूप में। प्रश्न नंबर 34, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा कितनी से कितनी बढ़ाई गई है? तो अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से 30 लाख अधिक कर दी गई, यानी 15 लाख पहले था, अभी 30 लाख से अधिक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 35, प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% से बढ़ाकर कितना अधिक किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 79,000 करोड़। प्रश्न नंबर 36, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की दर क्या है? तो सही उत्तर है 3 से 6 लाख के लिए 5%। प्रश्न नंबर 37, पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ भारत श्री एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा, श्री के लिए क्या है? तो श्री के लिए यहाँ शिलालेख है, ऑप्शन नंबर सी। नोट में यहाँ देखते हैं भारत श्री का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत का तो भारत ठीक है, लेकिन श्री का शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, भारत श्री का फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 38, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में, या संसद भी बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 39, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की दर क्या है? तो सही उत्तर है 9 से 12 लाख के लिए कितना है, 15%, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आयकर स्लैब है दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है 0 से 3 लाख नील, यानी अगर 0 से 3 लाख है आपका आयकर है, मतलब 0 से 3 लाख तक आपके जो इनकम टैक्स हैं उस पर नील होगा, 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 लाख पे 15%,
और 12 से 15 लाख पे 20%, और अगर 15 लाख से प्लस में है तो वहाँ 30%। अच्छा, एक और बात बताया गया है, दोज अर्निंग अप टू ₹7 लाख आर इंटेलिटी टू ए रिबेट। यानी पहले था कि 5 लाख रुपया अगर आपका इनकम है तो आपको आप रिबेट के अंदर है, ठीक है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट अब है कि 7 लाख रुपया अगर आपके पास है, आपके अकाउंट में है, 7 लाख तक रुपए पर, मतलब सॉरी अकाउंट नहीं, 7 लाख आपका इनकम है, सालाना इनकम है, तो उस पर 0 रुपया यानी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यही इस बार फायदा में बढ़ाया गया है। प्रश्न नंबर 40, केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। तो रेलवे के लिए यहाँ 2.40 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 41, वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है। तो 37% से हटाकर 25% किया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 42, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट पेश किया। 2023 के बजट भाषण में सीतारमण ने डैश के लिए बात की, यानी कितना टाइम बात की, तो 1 घंटा 25 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस वर्ष बजट ब्रीफ केस को राष्ट्रीय प्रतीक वाले पारंपरिक बही खाता में बदल दिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2019। प्रश्न नंबर 44, केंद्र ने FY 24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के राजकोषीय घाटे को कितना आंका है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5.9%। प्रश्न नंबर 45, कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था को स्थानांतरित करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए आवंटित बजट क्या है। तो इसके लिए आवंटित जो बजट है वो है 19,700, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 46, रक्षा बजट को पिछले वर्ष के आवंटन 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2023-24 के लिए कितना लाख करोड़ कर दिया गया है। तो रक्षा बजट यहाँ क्या किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 5.94 लाख करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 47, किस देश ने सबसे पहले बजट पेश किया। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड ने। प्रश्न नंबर 48, बजट सत्र कितने चरण में होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2 चरण में। प्रश्न नंबर 50, बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत के लिए दोनों सदनों को कौन संबोधित करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तो दोस्तों, यहीं पे हम 50 प्रश्न लाए हुए थे, 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ है। ये हमारा पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट हम दूसरे दिन डालेंगे। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद।